पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल यानी कि समुद्र तथा 29% भाग स्थल है। लेकिन क्या आपको पता है समुद्र की गहराई कितना है? अगर हम 10 से 12 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रख दे फिर भी समुद्र की गहराई तक नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गैन टीवी के एक और एपिसोड में। सभी समुद्रों की गहराई अलग अलग मानी गई है, हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में ये दबाव हजार गुना ज्यादा होता है। इस दबाव का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, अब तक मनुष्य समुद्र की 1% ही जान पाया है। अगर इस दबाव को और सरल भाषा में समझे तो धरती का 1 किलो समुद्र की गहराइयों में आपके लिए 1000 किलो के बराबर होगा। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरन समुद्र के उस हिस्से में जाकर वापस आए हैं जहां कोई नहीं गया। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में सबसे गहरे स्थल मारियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर गहराइयों में गोता लगाया है। नीचे पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। वे डीप सी चैलेंजर नाम के पनडुब्बी में गए थे जिसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। उन्होंने समुद्र तल पर लगभग 3 से ज्यादा घंटे बिताए। कुल मिलाकर समुद्र बेहद गहरा है, हालांकि इसका तल समतल या एक समान नहीं है, जिसका अर्थ है कि समुद्र की गहराई भी अलग अलग है। महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर मापी गई है। ये गहराई 14 बुर्ज खलीफा के बराबर है और ये प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप नामक स्थान पर है। हैरानी की बात ये है कि ये लेवल भी समुद्र का अंतिम लेवल नहीं है, क्योंकि मानव अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% का ही अनुमान लगा पाया है, बाकी के 95% अभी बाकी है। तो दोस्तों, समुद्र कितना गहरा है, जितना आपने सोचा था या उससे ज्यादा, कमेंट में जरूर बोलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।